वहीं इंडिया न्यूज के शौर्य सम्मान कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए और यहां पर उन्होंने यूपी पुलिस के वीर जवानों को सम्मानित किया। साथ ही इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के शौर्य सम्मान कार्यक्रम में यूपी पुलिस के वीर जांबाजों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने यूपी पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। उनके साथ यूपी के डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। जनरल वीके सिंह ने इंडिया न्यूज के शौर्य सम्मान कार्यक्रम की सराहना की और कहा, पुलिस के जवान 24 घंटे काम करते हैं। इंडिया न्यूज नेटवर्क को और जितने लोग आज इस शौर्य सम्मान अवार्ड के फंक्शन में आए हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने आज जिस तरीके से हमारे पुलिस बल के लोगों को सम्मानित किया है, मैं मानकर चलता हूं कि एक बहुत बड़ी बात, जो लोग रोजाना, जिनको ये नहीं पता कि उनका शनिचर इतवार छुट्टी कहां है, जो पूरे समय उनके अंदर लगे रहते हैं, ऐसे उसके अंदर अगर चंद लोगों को अच्छा काम करने के लिए हम सम्मानित करते हैं तो पूरे फोर्स का मनोबल। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए जनरल वीके सिंह ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर कहा कि इसका फायदा मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि दुनिया में कभी परमाणु युद्ध नहीं होगा, जो देश परमाणु हथियार का उपयोग करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। आप सर फॉर्मर आर्मी चीफ भी थे, काफी समय आपने बिताया भी कश्मीर में, अभी आप भारत सरकार मंत्री हैं, आपको क्या सुनाई दे रहा है, मतलब ग्राउंड से किस तरह का सेंटिमेंट सुनाई दे रहा है पोस्ट इस निर्णय के? देखिए, मेरे बहुत आम कश्मीरी दोस्त, बाकियों को मैं जानता हूं पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे दोस्त हैं, पर बहुत से आम कश्मीरी दोस्त हैं और मुझे अच्छा ही अच्छा सुनने को मिला। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आइसोलेशन के बाद पहले पाकिस्तान ने तमाम तरह की बात की, फिर हमने देखा उनके प्रधानमंत्री इमरान खान एटम बम इस्तेमाल करने तक की धमकी देने लगे, इस धमकी को आप कितना सीरियस देखते हैं? या देखिए, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी के रूप में इरेशनैलिटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो दिखाने की कोशिश की, यदि आप कुछ करोगे मैं एटम बम फेंक दूंगा। हिरोशिमा के बाद आज तक कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ है और मैं आपको और आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर कोई परमाणु युद्ध नहीं होने देगा। जनरल वीके सिंह ने शौर्य सम्मान कार्यक्रम पर इंडिया न्यूज को बधाई दी और कहा, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।